अस्सलाम अलैकुम दोस्तों दुनिया भर की वन लाइन खबरों में आज आप सुनेंगे लेकिन इससे पहले अगर हो सके तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा लें शुक्रिया म्यांमार में आर्मी की जानिब से हुकूमत का तख्ता उलटने और अहम सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के बाद अवमी दबाव का सामना है जिसके पेश नज़र आर्मी ने फेसबुक समेत सोशल मीडिया के तमाम एप्लीकेशन ब्लॉक कर दी हैं सोशल मीडिया प्लेटफार्म लोगों के दरमियान रवाबत का इंतहाई अहम जरिया साबित हो रहा है ख़ास तौर पर अहम हुकूमती रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बाद अपोजिशन की जानब से आर्मी बगावत के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है जिसे अवाम भरपूर सपोर्ट कर रही है सोशल मीडिया पर पाबंदी की तस्दीक करते हुए कहा गया है कि कुछ लोग मुल्की इस्तकाम के लिए ख़तरा बन रहे हैं और वो फ़ेसबुक पर जाली खबरों समेत ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं जिसकी वजह से लोग गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं लिहाजा सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद की गई है जो सात फरवरी तक बरकरार रहेगी मकबूजा वादी में आबादी का तनासब बदलने के हथ जारी हैं मुस्लिम अक्सरियत को अकलीत में बदलने के लिए मोदी ने कमर कसली है डेमोग्राफी तब्दील करने का मकसद किसी भी मुमकिन रायशुमारी के रिजल्ट को सबूतास करना है मकबूजा वादी रकबे के लिहाज से तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है जिसमें अठावन फ़ीसद रकबा लद्दाख छब्बीस फीसद जम्मू और सोलह फ़ीसद वादी कश्मीर का है रियासत की पचपन फीसद आबादी मकबूज़ाबादी तैतालीस फीसद जम्मू और दो फीसद लद्दाख में रहती है दो हज़ार ग्यारह की मरदमशुमारी के मुताबिक आबादी का अड़सठ फीसद हिस्सा मुसलमानों अट्ठाईस फ़ीसद हिंदुओं और चार फीसद सिख और बुधमत के पैरोकारों पर मुश्तमिल है मोदी सरकार का मिशन आबादी के इस तनासब को तेजी से तब्दील करना और मुसलमानों को अकलीत बनाना है मोदी सरकार ने मकलूज आबादी में अगली मरदमशुमारी दो हजार इक्कीस से दो हजार छब्बीस तक मुलतवी कर दी है इसी अरसा में आबादी का तनासब बदलने की तेज तर कोशिशें की जाएंगी इस मनसूबे पर इंडिया को अंदरूनी और बैरूनी मजम्मत का भी सामना है हाल ही में बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान ने भी इस अमल की मजम्मत की थी और कश्मीर में मुमकिना रेफरेंडम का नतीजा तब्दील करने की साजिश करार दिया था मोदी ने मनसूबे की तकमील के लिए मकबूज़ा वादी में बैरूनी हिंदुओं की आबादकारी का रेला छोड़ दिया है और नए डोमिसाइल ला के तहत साढ़े अठारह लाख से ज़्यादों को मकबूजा वादी का डोमिसाइल दे दिया गया है जबकि लाखों मजीद गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल देने का सिलसिला भी जारी है इस सिलसिले में गोरखा कम्युनिटी के 6,600 रिटायर्ड फ़ौजियों को भी डोमिसाइल दे दिया गया है अब डोमिसाइल जारी करने का इख्तियार तहसीलदार को हासिल है और हजारों बाहर से आए मजदूर भी डोमिसाइल हासिल कर सकेंगे इस हवाले से दस हजार से ज्यादा मजदूरों को बिहार से मकबूजाबादी में मुंतकिल कर दिया गया है चार से पाँच लाख कश्मीरी पंडितों के लिए इसराइल की तर्ज पर अलग कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं इसराइल की तर्ज पर पूरे आबादी को शहर बनाने की कोशिश खुलकर सामने आ चुकी है जमीन की खरीदारी की इजाजत देकर आबादी पर हिंदू सरमायादारों के कब्जे का रास्ता हमवार कर दिया गया है मोदी सरकार ने बीस हजार जमीन कोड़ियों के दाम हिंदू सरमाया के लिए मकामी लोगों से हथियाली है और ज़मीनें जबत और नीलाम की जा रही हैं इसराइल के वजीर अजम नैतन याहू ने ऐलान किया है कि वह आइंदा हफ्ते मुत अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे और वहां से मुमकिन तौर पर बहरीन भी जाएंगे ये दौरा तीन घंटे का होगा मतहद अरब अमारात के दौरे को इससे कबल दो बार मुलतवी किया जा चुका है टी शर्ट से शुरू होने वाले तनाज़े में चाइना ने कनेडा की वजाहत मुस्तरद कर दी है ये बात काबिल यकीन नहीं कि के कनेडा का एक सीनियर सफारती एहलकार जो तवील अरसे से चाइना में मुकम है वो इतनी अहमकाना गलती का मरतकब होगा कनेडा की यह वजाहत कबूल नहीं कि टी शर्ट पर बने नकोश वुहान के नाम और चमगार से महज मुमासलत रखते हैं कनेडा के सफारती एहलकार की हरकत के बायस चीनी आवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है सिर्फ एक टी शर्ट पर पैदा होने वाला तनाजिया चाइना और कैनेडा के तल्लुत में कशीदगी का बायस बन रहा है चाइना ने बीजिंग में कनाडा के सफारतखाने के अमले में शामिल एक मुलाजिम की जानब से एक ऐसी टी शर्ट ऑर्डर पर मंगवाने की वजह से बाकायदा एहतजाज किया है जिस पर कोरोना के हवाले से चाइना को दोष देने का तासर मिलता है और चीनी हुकाम के मुताबिक इस टी शर्ट के जरिए वबा के मुकाबले में चीनी इकदाम का मजाक उड़ाया गया है इस तनाज़े का आगाज इस तरह हुआ कि चाइना के सोशल मीडिया पर एक तस्वीर गर्दिश करने लगी जिसमें दिखाया गया कि के कैनेडा का अमले में शामिल एक शख्स ऐसी टी शर्ट ऑर्डर कर रहा है जिस पर चमगा बना हुआ है इस तस्वीर को कोरोना के वुहान से आगाज के बारे में उस थ्योरी की जानब इशारा समझा गया जहां जानवरों की एक मार्केट में फ़रोख्त होने वाले चमगादड़ों से ये कोरोना दुनिया भर में फैल गया ताहम कैनेडा के मीडिया ने वजाहत की है कि टी शर्ट पर चमगादड़ की शक्ल नहीं बल्कि अंग्रेज़ी हरूफ तहजी डब्ल्यू लिखा हुआ है भारतीय सार्फी ने रियाना पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने किसानों के हक़ में ट्वीट करने के लिए पाकिस्तान से पैसे लिए हैं हॉलीवुड पॉप स्टार रियाना ने भारतीय किसानों की हमायत में ट्वीट किया तो भारतीय जनता पार्टी गुस्से में आ गई और गुलूकारा रेहाना को पाकिस्तानी एजेंट करार दे दिया कई माह से किसान जरिय कवानीन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं लेकिन मोदी हुकूमत उनके मुतालबात मानने पर तैयार नहीं उल्टा मोदी हुकूमत मुजाहरे और एहतजाज करने पर अपने ही किसानों पर तशद कर रही है किसानों के एहतजाज पर अभी तक पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री खामोश थी लेकिन इंटरनेशनल गुलकारा रियाना के भारतीय किसानों के हक में किए जाने वाले एक ट्वीट ने जैसे भारतीय किसानों के एहतजाज में न सिर्फ जान डाल दी है बल्कि सोई हुई बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी जगा दिया है भारत ने रियाना समेत मुतद गैर मुल्की अफराद पर इल्जाम लगाया है कि वो मुल्क में किसानों के एहतजाज पर सनसनी फैला रहे हैं जबकि मुतद बॉलीवुड अदाकारों ने कहा है कि गैर मुल्की फ़नकारों को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए कुछ भारतीय सार्फिन तो रियाना से इस कदर गुस्से में आ गए कि उनकी पाकिस्तानी मुआवन खसूस जुल्फी बुखारी के साथ एक पुरानी तस्वीर न जाने कहाँ से ढूंढ लाए और ये साबित करने की कोशिश की कि राना को इस ट्वीट के लिए आई एस आई ने पैसे दिए हैं एक बैन अवी सहाफ़ी ने भारतीयों पर तनस करते हुए और रियाना से मुखातिब करते हुए कहा कि आप सी आई ए और आई एस आई के करिंदों की जानब से मजदूद हदायत का इंतज़ार करें भारतीय अदाकारा कंगना रिनावत को रियाना का ट्वीट एक आंख भी नहीं भाया उन्होंने जवाबी ट्वीट करते हुए कहा कि कोई इस बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि ये किसान नहीं बल्कि तखरीबकार हैं जो भारत को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चाइना हमारी टूटी हुई कमज़ोर कौम पर कब्ज़ा जमा सके और अमेरिका की तरह उसे एक चीनी कॉलोनी बना सके कंगना रिनावत ने रियाना को बेवकूफ़ कहते हुए कहा कि हम तुम्हारी तरह अपनी कॉम नहीं बेच रहे इससे पहले सबक़ लबनानी अदाकारा मियाँ खलीफा ने खुलकर भारतीय किसानों की हमायत की थी मियाँ खलीफा ने अपनी एक ट्वीट में किसानों की हमायत करते हुए कहा था कि ये किस किस्म की इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी की जा रही है क्या इन्होंने नई दिल्ली में इंटरनेट मुतल कर दिया है इस ट्वीट पर भारतीय सोशल मीडिया सार्फीन की जानब से सख्त रद्दमल का इजहार किया गया था और उन पर पैसे लेकर ट्वीट करने का इल्ज़ाम लगाया गया था इस इल्ज़ाम का जवाब देते हुए मियां खलीफा ने एक बुज़ुर्ग किसान की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि क्या हमें पैसे दिए गए उन्होंने बुज़ुर्ग किसान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या ही ज़बरदस्त कास्टिंग डायरेक्टर है उम्मीद है कि जब एवार्ड्स का सीजन आएगा तो इन्हें नहीं बुलाया जाएगा मैं किसानों के साथ खड़ी हूं। उसका मजीद कहना था कि मैं किसानों के साथ खड़ी हूं। मियाँ खलीफा के अलावा अमरीकी गुलकारा रेहाना ने भी गुजशत रोज़ एक ट्वीट करके किसानों के साथ यकजहती का इजहार किया था इसके अलावा मालियाती तहफ़ की नौजवान कारकुन गरीटा ने भी किसानों के हक़ में आवाज़ बुलंद की थी दुनिया की मशहूर शख्सियात की जानब से किसानों की हमायत पर मोदी सरकार सटपटा उठी थी और उन पर सनसनी फैलाने का इल्जाम इल्ज़ामायद कर दिया था जब भारतीय वजारत ख़ारजा की जानब से ट्विटर पर किसानों के एहतजाज से मुतल वज़ाहती बयान जारी किया गया तो कुछ ही देर बाद मुतद भारतीय अदाकारों ने जिनमें अक्षय कुमार अजय जोग करण जौहर एकता और सुनील शेट्टी शामिल हैं अपने ट्विटर से भारतीय वजारत ख़ारजा के बयान को रीट्वीट किया और कहा कि ये हमारे दरमियान फ़ासले पैदा करने की साजिश है दुनिया भर में लोगों की बड़ी तादाद दिल की कमज़ोरी या हार्ट फेल होने की कैफियत में मुब्तला है जब तक के दिल का अतिया नहीं मिल जाता उस वक्त तक के लिए एक जदीद तरीन मसनू दिल बनाया गया है जिसकी फरोख्त इसी साल शुरू हो जाएगी फ्रांसीसी कंपनी कारमेट ने यह दिल बनाया है इससे कबल यह फर्म सैकड़ों लोगों को मसनू दिल लगा चुकी है लेकिन इस बार नई ईजाद बहुत जदीद है जो फ़ोन की रवानी से दिल की धड़कन जैसा अमल पैदा करती है इसके अलावा ला तदा सेंसर प्रोसेसर और सर्कट नस्ब हैं इनका काम यह है कि मरीज की बदलती हुई कैफियात के से दिल को चलाते हैं और यूं मसनू दिल कुदरती अंदाज़ में काम करता है हर साल दिल की नाकामी और हार्ट फेलियर से कम से कम तीन करोड़ लोग मर जाते हैं अतिया दिल के मुंतजर मरीज दिल पकड़े पकड़े इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं इसलिए मसनू दिल उनके लिए किसी नमत से कम नहीं है जब 2015 में इसी कंपनी ने एक मरीज को मसनू दिल लगाया तो उसने कहा कि वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा है सत्तर साल एक और मरीज़ ने बताया कि मसनू दिल लगाने के बाद वो दिन में कई मरतबा चलते हैं और फिरते हैं लेकिन उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं कौमी असम्बली का अजलास मछली मंडी बन गया हुकूमती और अपोजीशन अरकान में हाथा कौमी असम्बली के इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के कादर पटेल ने उमर अयूब को लोटा कहा जिस पर उमर अयूब ने ताना देते हुए कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो ने कितनी पार्टियां बदली वो भी पता कर लें अपोजिशन अरकान ने शद रद्दमल का इजहार किया और उमर अयूब की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा शुरू कर दिया अपोजीशन अरकान नशस्तों पर खड़े होकर सीटियाँ और डेस्क बजाने लगे पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना था कि हम आपकी तकारी नहीं सुनने आए ये जलसा नहीं हो रहा असम्बली है उमर अयूब के खिताब के दौरान अपोजिशन की जानब से लोटा लोटा के नारे लगाए गए रहनुमा कादर पटेल ने कहा कि यहाँ एक ऐसा लोटा है जो पहले काफ लीग में था फिर नून लीग में शामिल हो गया और काफ लीग को बुरा कहने लगा अब पी टी आई में है और नून लीग को बुरा कह रहा है कोर्ट लखपत जेल में शहबाज शरीफ की तबीयत खराब हो गई और उन्हें तिबी टेस्टों के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया पेट स्कैन के बाद शहबाज शरीफ वापस जेल रवाना हो गए मियाँ शहबाज शरीफ को ब्लड कैंसर का मर्ज लाहक रहा है और वो लंदन में जेर इलाज भी रहे हैं तबी टेस्टों की रिपोर्ट हफ्ते या पीर तक मिलेगी जिसके बाद शहबाज शरीफ को हॉस्पिटल में दाखिल करने या ना करने का फैसला किया जाएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक और शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया